हेलो गाइस, सो आज हम तैयार करने वाले हैं रणबीर ब्रार की मैक एंड चीज रेसिपी। आध्या मेरे पीछे पड़ गई, जब से उसने ये रेसिपी देखी है शी जस्ट वांटेड दिस सेम टाइप ऑफ रेसिपी जिसमें डलता है बहुत सारा चीज़। तो भाई वेजीज तो मुझे तैयार करने ही थे, मैंने खूब सारी वेजीज चॉप की, अनियन, टमाटो, कॉर्न्स, कैप्सिकम, मशरूम, कैरेट और लग गए बनाने कि चलो बनाते हैं। 2 क्यूब्स ऑफ बटर और उसमें मैंने डाला थोड़ा सा गार्लिक पेस्ट और जब वो उसमें अच्छे से मिक्स हो गया आई एडेड ऑल द वेजिटेबल्स इन दिस टू सॉटे इट। सब वेजीज को मिलाकर अच्छे से उसको सॉटे किया और उसी के अंदर विदाउट बॉइलिंग डाला हमने मैक्रोनी बिना बॉयल किए। ये कच्ची मैक्रोनी है जो इसके अंदर जा रही है और बहुत थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, बस इतना कि हमें डिप नहीं करना, डुबोना नहीं है, बहुत थोड़ा सा पानी डाल के सॉल्ट पेपर डाला मैंने इसके अंदर और उसको थोड़ी देर के लिए मैं ढक दूंगी जिससे वो स्टीम हो जाए। उसको थोड़ी देर के लिए मैंने ढका फॉर अप्रॉक्स 2-3 मिनट्स, इतने में वो स्टीम हो जाएगा। स्टीम होने के बाद आई एडेड हाफ ऑफ कप ऑफ मिल्क, बहुत थोड़ा सा ही मिल्क डाला है, अगेन हमें उसको डिप नहीं करना, जस्ट उसका सारा जितना भी फॉर्म है ना मिल्क का वो मैक्रोनी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगी मैक्रोनी। उसके बाद आप उसके अंदर ऊपर से चीज़ डाला और खूब सारा भी डाल सकते हैं, कम भी डाल सकते हैं। फिर हम इसको 2 तरीके से बनाएंगे, एक हमने इसको मोल्ड में डाल दिया है और थोड़ा सा हम पैन में ही छोड़ देंगे, OTG में रखा चीज़ ओवर ग्रेट करके, और दूसरा पिज़्ज़ा हमारा मैक्रोनी पिज़्ज़ा यहाँ तैयार हो रहा है। तो मैक्रोनी पिज़्ज़ा जो हमारा तैयार हो रहा था उसको फ्लिप करना एक टास्क था। रणबीर तो प्रोफेशनल हैं, परफेक्ट हैं, उनका तो कोई मैच ही नहीं है, इतने परफेक्टली वो उनके हैंड मूवमेंट्स होते हैं, इतने अच्छे से करते हैं, बट एज आई एम नॉट, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। उसको फ्लिप करने में बहुत डर भी लग रहा था, नहीं हो रहा था, लग रहा था कहीं गिर ना जाए, टूट ना जाए, बार बार ट्राई करते रहे, लेकिन हार तो हम मानने से रहे, तो ट्राई तो करना बनता है। एक बार तो लगा बीच में कि हाँ टूट जाएगा, बट फाइनली फिर से ट्राई किया और गेस व्हाट, वी फाइनली डिड इट, यस, हमने फ्लिप कर दिया उसको, बल्ले बल्ले। तो हमारा चीज़ मैक एंड चीज़ OTG से भी तैयार हो गया, खूब अच्छे से बेक हो गया है। इसमें आप ओरिगैनो चिली फ्लेक्स अपने चॉइस की डालिए, इन्जॉय करिए। और हमारा पिज़्ज़ा भी तैयार है, उसको भी बेकिंग डिश में हमने डाल दिया है, बेकिंग डिश नहीं, सर्विंग डिश में उसमें डाल दिया है और उसके बाद बच्चों को सर्व किया एज पर देयर नीड और खा के बताया बच्चों ने, दे लव्ड इट सो मच। आध्या भी बहुत खुश, हम भी बहुत खुश। तो इफ़ यू ऑल्सो वॉन्ट टू मेक इट फॉर योर किड्स, डू ट्राई दिस।